तुम जिंदगी में जितनी मर्जी तरक्की कर लो, कुछ भी कर लो, बेशक तुम शाहरुख खान क्यों ना हो जीवन में, तुम्हारी मम्मी फिर भी बोलेगी दुनिया के बच्चे तो ये करते हैं वो करते हैं तुम नहीं करते। मैंने कहा मम्मी मैं हूँ अलग, मैं हूँ अलग, तब से अलग, जादू, धूप धूप चाहिए धूप, दुनिया के बच्चे हैं ये जादू है। कोई मिल गया करो ही तुम्हें, ठीक है, खुश हो आप? कसम से मैं बता रहा हूँ तुम्हें, शर्मा जी के लड़के से कंपैरिजन कभी नहीं खत्म होगा, तुम कुछ भी कर लो अपने जीवन में। सुन लिया मैंने ये डायलॉग, किस लिए सुना मैं बताऊंगा नहीं, बोलती रहती है। हेलो बोल लो। हंस क्या रहे हो? आज ना ये घूमने जा रहा है, मैंने कहा किसके साथ जा रहा है बता दे हमें भी भाई। कुछ भी मतलब 12 तारीख है आज, ठीक है, बाय द वे 12th है आज, और वजाहत का मेरे को एक हफ्ते से आ रहा है कि चलो कहीं मिलने घूमने फिरने चलते हैं खाने पीने, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो डाल दिया, फ्री हो गया हूं तो चलते हैं। मैं जाने लगा हूं तो मम्मी कह रही है वैलेंटाइंस डे इसलिए क्यों नहीं जाए, मैं कहा वैलेंटाइंस डे परसों है वैसे तो, और अगर जा भी रहा होता तो बता के जाता, आपको बता के जाता तो दो दिन पहले, इसलिए कि शक न पड़े ना, दो दिन पहले ही मना लो। अरे मैं कह रहा हूँ अगर सच में जा रहा होता ना तो ऐसा खुले में चौड़ में आपको क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के जाता, अभी वजाहत के साथ की फोटो डाल दूंगा मम्मी डाल दूंगा, तो मेरे को कहती है दुनिया के बच्चों की है तुम्हारी नहीं है, इस चीज के लिए मुझे भी मिला, मम्मी को मिलना है, मतलब इस चीज के लिए भी मेरे को कह रही है सबकी है, शर्मा जी के बेटे तक की है तेरी नहीं है। हमको मारो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। खुश तो उस दिन होंगे जिस दिन ये मिलवाएगा मेरे को अपनी। बहुत मॉडर्न नहीं हो गई है मातू? मैं शुरू से मॉडर्न थी, ये तो है मम्मी मॉडर्न, बहुत ज्यादा ही मॉडर्न है, बताओ कह रही है मिलवा मुझे मिलवा, अरे कहाँ से लाऊं? पूरी अलमारी भरी पड़ी है, अभी मैं अलमारी में कपड़े सेट कर रही हूँ, ये फिर भी कह रहा है सफाई कर रही हूँ, ये देखो पूरा बेड मेरा फैला पड़ा है, इतने कपड़े होने के बावजूद भी लड़का कह रहा है कपड़े नहीं है। अरे कंटेंट दे रहा था। देखो जी कह रहा 6 बजे जाना, 4 बजे नहा धो के तैयार हो गया लड़का, अभी जा रहा हूँ 5 बजे पहुँचना, लेट हो रहा है बेचारा डेट के लिए। ये लो गाइस देख लो, ये है डेट हमारी, भैया कैसा लग रहा है आपको डेट पे आके? अबे मत करो भाई मीम बन जाएंगे, इसमें हम भैया जी के साथ ही आए हैं और अभी खा पी के हम मूवी देखने आ गए हैं, क्योंकि भाई नॉट थिएटर खुल गए हैं दिल्ली के फाइनली, नाचो भैया, अरे नाच के दिखाओ, सुनियो डांस हो जाए, क्या लग रहे हो यार, हम सच में मूवी देख रहे हैं। Meanwhile, सुबह से गया है, ये देख ले रात के 9 बज गए हैं, 2 बजे से गया हुआ है और मेरे को कह रहा है कि मैं कटिंग करा के आ रहा हूँ, 8 बज गए, मेरे को इतनी बेचैनी हो रही थी, मैंने तो पता नहीं फोन मिल नहीं रहा, तो इतनी मतलब बेचैनी हो रही थी। आप सच मानोगे मैंने ना वो सैलून वाले को फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई उसके पास पैसे नहीं थे क्या, तूने उसको बंदी तो नहीं बना लिया? ना झूठ बोल रहा, पूछ ले इकरार को, मैंने अभी फोन करा, कहता आंटी वो मेरे से तो 2 घंटे पहले से गया हुआ है। देखो ऑडियंस को देना है अगला गाना बेस्ट, पर वो बेस्ट गाने की प्रिपरेशन में लगा है, तो बताना तो चाहिए ना, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अभी मम्मी है घर पे जो तुम्हारी वेट करती है, तो बताना चाहिए ना, चॉकलेट दो बस, अब चॉकलेट खिला के मेरे को मना लेगा। नेक्स्ट सॉन्ग हमारा अपकमिंग ट्रैक इज द बेस्ट ट्रैक यू विल एवर लिसन ऑन फुकरेंस एंड चैनल, इतना प्यारा गाना, मजा आ जाएगा, मतलब मैं वो सुन के सुरूर में खो गया था। देखा इसने ना मतलब टॉपिक ही चेंज कर दिया, उसका शूट है कपड़े चाहिए, सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, मैं पहले सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर बोल रहा, फिर मैं सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, स्लिप ऑफ टंग, वो लड़का आते ही फिर बाथरूम में घुसा हुआ है, सेल्फियां ले रहा है अपनी, पता है भाई तू बहुत स्मार्ट बन गया है, गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इसको इंसान है क्यों गाइस आर नॉट फॉलोइंग मी, तो आप कर क्या रहे हो अब तक? क्या हो गया बिना जी को? कुछ नहीं हो गया, क्या हो गया? मेरे पिताजी का बीपी हाई हो गया, ये नोनू ने अच्छा इनसे वो कच्चा बादाम कराया, बीपी हाई हो गया, सुबह से देख लगे हुए हम बीपी चेक करने, अभी डॉक्टर को दिखा के आए हैं, पापा को दिक्कत ये थी, पापा कह रहे हैं उन्होंने कच्चा बादाम अकेले क्यों करा, हाँ बीवी साथ करती है, बीवी को तो पूछा ही नहीं, कौन बीवी आपकी कितनी है, वही तो पता नहीं उनको, फिर से लगा रहे हैं, अबे इधर से पकड़, विनय जी का हुआ बीपी हाई, व्लॉग का टाइटल कच्चा बादाम करने के बाद मलन साहब का हुआ बीपी हाई, जो बंदा दिन में 6 चाय पिएगा उसका बीपी तो हाई होएगा ही, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मेरे बोलते हुए अच्छा लगता है, बट कहते लुक हु इज टॉकिंग, बिल्कुल पापा और अब्बू दोनों सेम कैटेगरी,
मेरे ईटिंग हैबिट्स बुरी हैं तो मैं गोलगप्पे पिज्जा बर्गर खा लेता हूँ, बट ठीक है तो पापा की तो बहुत बुरी है। ये रात को 2 बजे भी उठते हैं ना तो बादाम की मुट्ठियां भर भर के खाते हैं। वैसे 50 बार करने के बाद अब एकदम नॉर्मल आया है, गोली भी। गाइस हम यहाँ पर कर रहे हैं कल की पैकिंग। वैसे हम बेसिकली हर बार स्टाइलिश रखते हैं बट इस बार वी आर मेकिंग अ वेरी क्यूट लव सॉन्ग। तो मैंने शॉपिंग अभी भी करी थी तो मैंने कहा क्यों पैसे खर्च नहीं करते। कभी पैसे बचाने की भी सोचता हूँ मैं, हमेशा उड़ाने की नहीं सोचता। डिंपल बेचारा उस दिन शॉपिंग करके आया, मैं इतने कपड़े शॉपिंग करके आया, इतने सारे नोनू ने पहन लिए। जिस दिन हम शॉपिंग करके आए ना उससे नेक्स्ट डे उसने जाना था हॉटस्टार की शूट पे, आया अपना बैग उठाया फटाफट सारे कपड़े निकाल ले, सारे अलमारी में यही रखे थे, मेरे को भी नहीं बोला कि पैकिंग कर दो, सारे पैक करके अपना अटैची भर के ले गया। इसको जाना था शूट करने, मेरे को कहता है मम्मी कपड़े कहाँ सारे, वो सारे कपड़े तो नोनू ले गया। लड़का ना यहाँ पे मेरे साथ लड़ाई कर रहा है क्योंकि ये खा पी के आया हुआ है, इसका पेट भरा हुआ है, इसलिए इसको सांबर इडली नहीं खानी है। और 10 बार मैंने पूछ लिया अबू खाना दे दूं, नहीं अभी मैं 10 मिनट में खाता हूँ, अभी 10 मिनट में खाता हूँ, करते करते 10 बज गए हैं। कहते हैं ना जब पेट भरा होता है ना बंदे का तो फिर ऐसी ड्रामे करते हैं, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे स्वाद नहीं लगा। 7 बजे से इडली बनी हुई है, वो ठंडी होगी ना, हम लोग 7:30 बजे खाना खा लेते हैं। अब एक इडली ठंडी उठा के खाई है तो कह रहा मेरे को तो अच्छी नहीं लगी है, गर्म कर रही हूँ इडली, अभी इसको गर्म करके दूंगी फिर इसका रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। सांबर इसको इतना अच्छा लगता है, इसका फेवरेट है सांबर। ये गर्म करके दिए मैंने इसको, फिर यहाँ पे शार्क टैंक, हमारे घर पे तो बस सारा दिन शार्क टैंक ही चलता रहता है। एक्चुअली ना मैंने ओट्स की इडली बनाई थी तो इसको लगी थोड़ी सी हार्ड, वो ठंडी होके थोड़ी हार्ड हो गई थी, अभी मैंने इसको स्टीम करके गर्म कर दी तो वो सॉफ्ट हो गई। अब कह रहा है एक और दे दो। Eventually 12 बज गए हैं रात के और अभी तक ये फिर से फोन में लगा हुआ है, आ गया, इसको ग्रीन टी भी पीनी है। 4 बजे का गया हुआ है, 12 बज गए हैं और ये हमेशा ऐसे ही करता है, बोल के जाता है घर से कि मैं जा रहा हूँ खाने पीने और फिर मूवी देखने भाग जाता है ये लड़का। और कल तो मेरे को कह रहा था तू मूवी ही नहीं है कोई लगी, मुझे भी नहीं पता था आज ही लगी है, आज उनको पता चल गया मैं मूवी देखने आ रहा हूं तो मूवी लगा दी तेरे लिए। क्या बात कच्चा बादाम मत कराया कर इनको, कच्चा बादाम डांस करने से बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो गया और क्या। आप पक्का बादाम डांस करो, लो हो जाएगा। तेरे को मिस कर रहे थे कम से, पापा के बाल कैसे एकदम नींद में स्पाइकी हो जाते हैं एकदम। ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक है।